हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद अरविंद। दोस्तों, कई पेरेंट्स मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर, यदि हमारे बच्चे में कैल्शियम की कमी है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या लक्षण आपको बच्चे के अंदर दिखेंगे, जिससे आप सोच सकते हैं कि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिससे आप उसको कैल्शियम रिच डाइट दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो यह है कि बच्चे की मसल्स में क्रैम्प्स होता है। क्रैम्प्स मतलब होता है, जिसे हम कह सकते हैं ऐठन होती है या मरोड़ होती है, जो बच्चे की पिंडलियां होती है उस पिंडलियों में दर्द होता है, बच्चे को पैर खींचने का मन होता है कि वो पैरों को खींच ले, आपको रात को सोते समय पैरों में दर्द बताएगा, उसके जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स होगा, तो सबसे पहला जो लक्षण है वो यही होता है। दूसरा लक्षण होता है कि जो बच्चे के नाखून होते हैं, चाहे वो हाथों के नाखून हो या पैरों के नाखून हो, वो नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं, मतलब एकदम वीक हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण उन नाखूनों में शक्ति नहीं होती, तो वो भंगुर से, कमजोर से हो जाते हैं, आपको अलग से दिखाई देंगे, जो नॉर्मल नेल्स होते हैं इससे डिफरेंट दिखाई देंगे। इसके अलावा बच्चे को वीकनेस फील होती है। तीसरा लक्षण है दोस्तों कि बच्चों की जो टूथ की इनेबल होती है वो भी कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बच्चों के दांत जो होते हैं वो पहले से हिलने लगते हैं या टूट कर गिर जाते हैं। अभी उसकी उम्र नहीं है दांत टूटने की, लेकिन उसके पहले ही गिर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो वहां पर आपको कैल्शियम रिच डाइट जरूर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो बच्चे की स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, बच्चे के हेयर ड्राई हो जाते हैं, बच्चे में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है, और उसके हाथों में और पैरों में थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे झिनझिनी हो रही है, चीटी चलने जैसा फील होता है। तो ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख लक्षण होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें मसल्स में क्रैम्प्स होता है, पैरों में दर्द होता है। तो दोस्तों, अगर यदि आपके बच्चे में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप बच्चे को कैल्शियम रिच डाइट दीजिए, ऐसी डाइट दीजिए जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में हो। बच्चे को प्रतिदिन आप दूध पिलाइए, दूध में भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अनेक सारे स्रोत होते हैं कैल्शियम के, जिसके ऊपर मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। जय आयुर्वेद, जय हिंद।